दोस्तों अगर आप एक WhatsApp यूज़र हैं, डेली WhatsApp यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp की पांच ऐसी हिडन सेटिंग बताऊंगा, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, नहीं आपको पता होगी। दोस्तों WhatsApp में कई सारी छुपी हुई सेटिंग होती है, लेकिन कई सारे WhatsApp यूज़र को इन सेटिंग के बारे में पता नहीं होता है। अगर दोस्तों आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं, WhatsApp की पाँचों ही सेटिंग को सीख लेते हैं, तो आप WhatsApp की दुनिया में धमाल मचा सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी है ये सेटिंग्स, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको एक कमेंट कर देना है, आप कौन सी सिटी, कौन से गांव से है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और WhatsApp को अपडेट कर लेना है। इसके बाद आप WhatsApp को ओपन कीजिए। बात करते हैं हम पहली सेटिंग की। तो दोस्तों पहली सेटिंग की मदद से आप WhatsApp को फाइल मैनेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको WhatsApp पर जितनी भी मीडिया फाइल आती है, फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट, सभी फाइल्स को आप WhatsApp के अंदर रह कर ही देख सकते हैं, और आपको किस किस ने सेंड किया है उसका नाम भी आप देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ऊपर सर्च बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोज़ देखना है तो आपको फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, तो सभी फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाएगी। फ़िलहाल मेरे WhatsApp में ज़्यादा मीडिया फाइल नहीं है, तो यहाँ पर कम फ़ोटो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप फ़ोटो ओपन करके भी देख सकते हैं, और आपको किसने भेजा है उसका नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने किसी को भेजा है तो यहाँ पर यू लिख कर आएगा, अगर आपको किसी ने भेजा है तो उसका नाम यहां पर लिख कर आ जाएगा। अब इन फोटोज को दोस्तों यहां पर आप शेयर वगैरह भी कर सकते हैं, सामने वाले बंदे की चैट को भी ओपन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहां पर दोस्तों आपको लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपको WhatsApp पर लिंक आए हुए हैं वो सभी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp के अंदर रहकर ही WhatsApp की मीडिया फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने आपको मीडिया फाइल शेयर की है। अगर दोस्तों आपको मेरा यह वॉलपेपर पसंद है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी सेटिंग की। तो अगर आप एक WhatsApp यूज़र है तो आपके मन में हमेशा एक डर लगा रहता होगा कि आपके WhatsApp मैसेजेस कोई और तो नहीं पढ़ रहा है, कोई और तो नहीं देख रहा है, तो ये आप पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको WhatsApp में एक सेटिंग कर लेना है। आपको जाना है WhatsApp की सेटिंग्स में, यहाँ पर आपको जाना है चैट्स में। यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी चैट बैकअप, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी गूगल अकाउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक ईमेल एड्रेस ऐड है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट ऐड है या किसी और का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन होंगे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर कोई ऐसा जीमेल अकाउंट तो नहीं है जो आपका नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं। हो सकता है आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर आपके मोबाइल में अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पर ऐड कर दे, तो आपके WhatsApp मैसेजेस उसके मोबाइल पर जाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका जीमेल अकाउंट कौन सा है, और आपको उस पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और टिक कर देना है, तो आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपके WhatsApp मैसेजेस कोई और बंदा नहीं देख पाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि गूगल जो है हमारा चैट का बैकअप लेता है और हमारे इस जीमेल अकाउंट में गूगल ड्राइव में सेव होता रहता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चैट बैकअप है वो बनता रहे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितने टाइम का बैकअप बनाना चाहते हैं, डेली, वीकली या मंथली। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैट का बैकअप बने ही ना, तो आप यहाँ पर नेवर पर सेट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेली आपकी चैट का बैकअप बनता रहे, और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, तो डेली आपकी चैट का बैकअप बनता रहेगा, और जब भी आप कोई दूसरा मोबाइल खरीदेंगे, अपना मोबाइल चेंज करेंगे, तो आपकी सभी चैट आपको वापस भी मिल जाएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। तो तीसरी सेटिंग आपको यहीं पर मिल जाएगी। कई सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, उनके फ़ोन में मोबाइल डेटा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो मोबाइल डेटा को यूज़ भी नहीं करते फिर भी बहुत ही जल्दी मोबाइल डेटा ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है दोस्तों ये व्हाट्सअप की वजह से होता हो, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सअप हमारा यहाँ पर डेली बैकअप लेता है और बैकअप में दोस्तों सभी चैट भी लेता है। और अगर आप यहाँ पर इंक्लूड वीडियोज़ वाली सेटिंग को ऑन रखेंगे तो दोस्तों ये आपके सभी WhatsApp वीडियो का भी बैकअप बनाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, आपके Google ड्राइव में WhatsApp की वीडियोस अपलोड होगी। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 159 MB की मेरी वीडियोस यहां पर दोस्तों बैकअप ले रही है, ठीक है। तो अगर आपके WhatsApp पर बहुत ही ज़्यादा वीडियोस आते हैं दोस्तों, वीडियोस की जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से भी दोस्तों वीडियो जब अपलोड होता है, बैकअप जब बनता है, तो वो आपके मोबाइल के डेटा का यूज़ करता है, इस वजह से आपका मोबाइल डेटा जल्दी ख़त्म होता है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस का बैकअप ना बने तो आपको यहां पर इस सेटिंग को बंद कर देना है। इस सेटिंग को बंद करने के बाद दोस्तों व्हाट्सएप आपके मोबाइल डेटा को ज्यादा खर्च नहीं करेगा, लंबे समय तक आपका मोबाइल डेटा चलेगा। तो ये काफी दोस्तों यूजफुल सेटिंग थी। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी सेटिंग की। तो जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई फोटो या वीडियो आता है और उसके साथ में मैसेज अटैच होता है इस तरह से, और जब भी हम इन दोनों को शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ फोटो ही शेयर होता है, जिसके साथ में जो मैसेज अटैच है वो शेयर नहीं होता है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं इस फोटो को शेयर करके, तो आप देखेंगे यहां पे सिर्फ फोटो ही शेयर हुआ है, साथ में जो मैसेज था वो शेयर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप इन दोनों को एक साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इस फोटो को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, चाहे फोटो हो या वीडियो, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर शेयर का ये वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको WhatsApp को सेलेक्ट करना है और जिस बंदे के साथ आपको इन्हें शेयर करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहां पर मैसेज भी आ चुका है। अगर आपको यहां पर कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं और यहां पर क्लिक करके आप इन दोनों को साथ में सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर फोटो और मैसेज साथ में शेयर हो गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी सेटिंग की। तो जब भी हमें कोई मैसेज मिलता है फोटो या वीडियो के साथ में अटैच इस तरह से, और इस मैसेज को हमें कॉपी करना होता है, तो कई सारे लोग इन मैसेज को कॉपी नहीं कर पाते। अगर आप यहां पर मैसेज को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर यहां पर कॉपी बटन नहीं है, यानी कि मैसेज को कॉपी करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप इस मैसेज को कॉपी कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले फोटो पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे यहां पर एक बार क्लिक करना है तो मैसेज यहां पर आ जाएगा। अब आपको इस मैसेज पर एक सेकंड के लिए दबाना है तो आप देखेंगे ये मैसेज कॉपी हो चुका है। अब आप यहां पर बैक आकर अपने मैसेज को जहां पर भी शेयर करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों यूजफुल ट्रिक, तो इस पर तो एक शेयर बनता है यार। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।